Hey friends, welcome back to my channel. This is Piyu hashtag versatile और मैं हूँ आपकी host and दोस्त मोहिनी. So आज का video आप title देख के पता चल ही गया होगा कि आपको मैं आज क्या बताने वाली हूँ. जी हाँ, आज मैं आपके साथ share करने जा रही हूँ कि how to use eyelashes. आपको eyelashes को कैसे use करना है और कैसे अप्लाई करना है. जस्ट इन 2 or 3 मिनट्स में आपके आईलैशेज लग जाएंगी, जो कि फॉल्स आईलैशेज होती है. मार्केट में बहुत तरीके की आईलैशेज अवेलेबल हैं. आप जो चाहें वो आईलैशेज ले सकते हैं. फ्लिपकार्ट वगैरह पे बहुत सी अच्छी अच्छी आईलैशेज मिल जाती है. पर्पल पे, फ्लिपकार्ट पे. लैशेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको अगर परचेज करनी यू कैन चेक इट आउट. और यहाँ पे मैं आपको ये मिक्स करके एक आईलैशेज है, जो कि मैंने 5 पेयर वाला था, ये मैंने मंगाया हुआ है. उसमें एक ही आईलैशेज को कैसे बार बार रीयूज कर सकते हैं. तो एक तो ये मिक्स करके आईलैशेज जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ. जो नॉर्मल आईज का मेकअप करना होता है, तब मैं लाइट वेटेड आईलैशेज लगाती हूँ. आप देख सकते हैं थोड़ी सी लाइट वेटेड है. और जब मुझे ब्राइडल या फिर कुछ हैवी आईलैशेज लगानी होती है, तब मैं कुछ इस तरह के आईलैशेज यूज़ करती हूँ. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुत हैवी लैशेज होती हैं. और इसका ब्रांड है चार्मिंग लेडी. ये मैंने किसी शॉप से परचेज करी थी. अराउंड 150 or 200 समथिंग ये आपको मिल जाती है. 150 or 200 समथिंग मिल जाती है. और ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी अच्छी वाली आईलैशेज अवेलेबल होती हैं. एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, आईलैशेज जब आप लेते हैं तो उसके साथ कई बार गम जो ग्लू जो देते हैं, तो वो जो ग्लू की क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है. तो डोंट यूज़ दैट ग्लू वाला ग्लू ना यूज़ करके अगर आप दूसरा आई एडिसिव ले सकते हैं तो आप बेटर रहेगा. तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आई वाटर प्रूफ आईलैश एडिसिव क्लियर वाइट. और ये वाइट कलर का, इसमें 2 शेड्स आते हैं, वाइट और ब्लैक. और ये इस तरीके के ट्यूब फॉर्म में होते हैं. ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये मेरा. तो इसको भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा. तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे, ये हैवी वाली लैशेज लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि वेडिंग सीजन है भाई और सब भी सुंदर दिखना चाहते हैं. और आई लैशेज से हमारा आई मेकअप एकदम इंस्टेंट हो जाता है, लाइक बिल्कुल एकदम बहुत ही प्यारा सा लगने लगता है. तो इस तरीके की पैकेजिंग में है ये, आप देख सकते हैं. और इस तरीके से तो हमें क्या करना है, आप इस आईलैशेस को लगाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं. लगाते सब आईज़ में ही है, लेकिन बहुत अलग अलग तरीक़ों से, लाइक कोई प्लकर से यूज़ करता है, इस तरीके के प्लकर से यूज़ करता है, कोई अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है. तो मैं जो प्रेफर करती हूँ, अपने हैंड से ही लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं लगा पाती हूँ. तो जो बिगनर्स हैं मेरी तरह, लाइक मी, तो वो इस तरीके से आईलैशेस लगा सकते हैं डेफिनेटली. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो तीन के साइड्स अपनी आई के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए, आपको कितनी हैवी चाहिए, कितनी लंबी चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आपके लैशेस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो आप उनको यहाँ से हल्का हल्का ट्रिम कर सकते हैं. और अगर आपको लग रहा है वो यहाँ से भी लेंथी हैं, तो आप उनको यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हैं. तो अब मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ ग्लू. आप देख सकते हैं मैंने ग्लू ले लिया है, और इस तरीके मैंने ये ग्लू लगा लिया है. आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने दोनों आईलैशेज में ग्लू लगा दिया है. लेकिन जब तक ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे. जब ये ड्राई हो जाता है और जब ये बिल्कुल लाइक एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, चिपकने लगता है यूं ही करके, उसके बाद हम इसे अपनी आईज में अप्लाई करेंगे. और जस्ट अ मिनट, आपको लगेगा भी नहीं कि आपने आईलैशेज यूज़ कर भी लिए. इतना आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ, सीरियसली. तो अगर जब तक ये ड्राई हो रही है, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियोस को देख पाए और कुछ सीख पाए. आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से अपनी आईलैशेस पे इस तरीके से हल्के हल्के हैंड से प्रेस करेंगे. थोड़ा सा इसको इस तरीके से प्रेस करना है, थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ प्रेस करना है. That's it. Done. आपको अगर लग रहा है कि कहीं से ये निकल रही है या थोड़ा बहुत उठ रहा है, तो उसको
उसको अपने हैंड से इस तरीके से प्रेस कर दीजिए, या फिर किसी ब्रश की हेल्प से, या फिर इस तरीके के जो ईयरबड्स होते हैं उनसे भी आप इजीली इसको प्रेस कर सकते हैं। डोंट वरी, अगर ये निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोबारा से इसको ग्लू लगा के फटाफट से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जब आप ग्लू लगाते हैं थोड़ा सा उसको अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए, एक जब वो ड्राई हो जाएगी ना तो अपने आप फटाफट से पेस्ट हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से लग गई है, 2 मिनट्स भी नहीं लगे और मेरी आईलैशेस लग गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियोज़ देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।